नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एनम 4800 पोस्ट नोटिस, महत्वपूर्ण सूचना। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले बने होने चाहिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। पीईटी 2023 अनिवार्य। एनम अपेयरिंग अभ्यर्थी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन ना करें। ऑनलाइन आवेदन सूचना कब तक आप लोग को मिलेगी सब बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से इस भर्ती के बारे में पूछा कर रहे थे, तो दोस्तों यह भर्ती के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो है क्या क्या लगेगा, कैसे क्या होगा, तो मैं आप लोग को इसमें बता दे रहा हूँ। मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं वो लगेंगे। और इसके साथ में दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों, आप लोग को बता रहा हूँ, जुलाई में आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाएगा। जुलाई में जल्द ही जो है आप लोगों को इसका नोटिस देखने को मिलेगा। पीईटी 2023 जिन अभ्यर्थियों ने दिया है, एक नंबर पाए हैं, वह अभ्यर्थी इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पहली बात तो ये है दोस्तों। दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने पीईटी 2023 दिया है और एनम में अपियरिंग है, और उनका जो है मेडिकल नर्सिंग काउंसिल से एनम पूरा है नहीं दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी पूछ रहे हैं सर क्या हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपियरिंग में हैं, अपना पहले कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद मेडिकल नर्सिंग फैकल्टी से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, तब जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन एनम के जो अपियरिंग में है, रिजल्ट बहुत जगह का आ भी गया है दोस्तों, और वो धड़ाधड़ अपना जो है मेडिकल नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा लें, तत्काल करा लें दोस्तों। जिनके रिजल्ट आ गए हैं सेकेंड ईयर के जो है दोस्तों, वो धड़ाधड़ अपने जो है रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराएँ, क्योंकि पेट दिए ही हैं। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन से अंतिम तिथि के पहले मेडिकल नर्सिंग फैकल्टी से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप वहां पर जाइए, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए मेडिकल नर्सिंग फैकल्टी से, जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी रसीद अगर आपके पास है दोस्तों, जो रसीद होती है उससे भी आप फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो रसीद आपने वहाँ पर कटवाई है। ऑनलाइन आवेदन से पहले का होना चाहिए दोस्तों, तिथि से पहले का अगर वो रसीद है तब भी आप जो है प्रोविजनली आपका रहेगा दोस्तों, लेकिन आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय तो आपका चेक होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जाति प्रमाण पत्र बने होने चाहिए, जो कि पिता पक्ष की तरफ से बनेगा, चाहे महिला शादीशुदा हो चाहे शादी ना हुई हो। EWS प्रमाण पत्र भी पिता पक्ष से बनेगा, चाहे शादी हुई हो महिला की चाहे ना हुई हो। दो चीज़ आप लोग ये ध्यान से रखिएगा। और दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र आप चाहे पिता पक्ष का लगाइए चाहे पति पक्ष का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों, आपका हाई स्कूल, इंटर और एनम का, फिर उसके साथ में दोस्तों मेडिकल नर्सिंग फैकल्टी से जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो, और पीईटी 2023 जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था और रिजल्ट जो आया है उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यह फॉर्म आपका भरा जाएगा। और यह भर्ती परमानेंट भर्ती है दोस्तों, इस भर्ती को आप लोग जाने मत दीजिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं तैयारी शुरू करा दिया हूँ दोस्तों, मेरे चैनल पर कई वीडियो पढ़ भी गए हैं। जो अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो सब वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो वीडियो नहीं मिलेगा आपको, मैं यहाँ तक बता दे रहा हूँ। कुछ वीडियो तो मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आल पर क्लिक कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन आपका है दोस्तों, वेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो सभी नोटिस आपको मिलते जाएंगे और सबसे पहले मिलेगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको आपके पास पहुँच जाएगा। और जो भी वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो चार्जेबल नहीं है दोस्तों, आपसे कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बस जो है मैं आप लोग को फ्री में पढ़ाऊंगा। जैसे पिछली बार 9212 में लगभग 3000 प्लस अभ्यर्थी मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्ट हुए हैं, वैसे मैं इसमें भी समझ रहा हूँ दोस्तों, 5272 पद आने वाले थे लेकिन 4800 पद सुनने में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों नियर अबाउट सभी अभ्यर्थी 4800 पोस्ट में जितने सिलेक्ट हों, ताकि मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्ट हों दोस्तों। मुझे बहुत खुशी होती है जब अभ्यर्थी कहते हैं कि सर मैं आप ही के नोट से, आप ही के
क्लास से पढ़ी हूँ। और ख़ासकर दोस्तों वो अभ्यर्थी जो एनम संविदा पर काम कर रही हैं उनको तो वेटेज मिलना तय है, उनको जो है 3 साल 5 साल जो भी रहता है दोस्तों, 1 साल के हिसाब से जो भी मैक्सिमम 5 साल तक मिलता है दोस्तों, तो उनको वेटेज ज़रूर मिलेगा। अब आप लोगों का जो भी डाउट होगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या लगने हैं, वो सब डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए, अभी से तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जुलाई में कभी भी आप लोगों को यह नोटिस देखने को मिलेगी, ऑनलाइन आवेदन की नोटिस देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं आप लोग को पहले से ही सतर्क कर दे रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट एकदम तैयार करके रख लीजिए, कभी भी आपको नोटिस देखने को मिलेगा। बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर वेटिंग लिस्ट यूपी एनएचएम की तरफ से जो आई है वो क्लियर होगी कि नहीं होगी। देखिए दोस्तों उसमें कई सारे बात किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए इतना संशय में डाल दिया गया है अभ्यर्थियों को कि अभ्यर्थी ना इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं। तो मैं वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि आप लोग उस भर्ती को ठंडे बस्ते में समझ लीजिए और आप इस भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह परमानेंट भर्ती है, इसमें आपको अच्छा पे स्केल भी मिलेगा। और संविदा वाली जो भर्ती है दोस्तों मैक्सिमम कितना पाएंगे उसमें 18 से 20 हज़ार रुपये मिलेगा, लेकिन ये परमानेंट भर्ती है, आपका जो है 2800 पे ग्रेड की भर्ती रहेगी दोस्तों, अच्छा स्केल मिलेगा। जो पुराने अभ्यर्थी हुए हैं उनसे पूछ सकते हैं, और परमानेंट भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों, तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।